गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले जानना जरूरी होता है, किसी भी चैप्टर से पहले ना ये जानना जरूरी होता है कि उस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या है, जिससे कि आपको एक रोड मैप मिल जाए और आप इजिली उसको, आपको पता रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, हमने क्या क्या पढ़ा था, किस तरीके से हमें आगे रिवाइज करना है। तो फर्स्ट थिंग, हम रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, होता क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस, कैसे निकालते हैं, वो तो सेकंड थिंग है। योर फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इज कि ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई रेसिडेंशियल स्टेटस, वो हमें पता होना चाहिए। मैं भी थोड़ी देर में अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। सेकेंड थिंग, हाउ टू, एक बार हमें पता चलता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना क्यों है, फिर हम इसको निकालेंगे कैसे। तो वी अंडरस्टैंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एसएससी। सबसे पहले हमारे लिए सीए इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअल। तो हमें इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना आना चाहिए। हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस होती हैं, उसमें से कोई भी एक सेटिस्फाइड होती है तो हम बोलते हैं रेसिडेंट है, अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो नॉन रेसिडेंट हो जाता है। बट एक बार वो रेसिडेंट हो जाता है, फिर हम एडिशनल कंडीशंस लगाते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, राइट। फिर हम एडिशनल कंडीशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो दो एडिशनल कंडीशंस होती हैं, ओके। फिर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिल जाते हैं जहां पर हमें एक्सेप्शंस की बातें करता है, जहां पर हम वो जो बेसिक कंडीशंस की जो सेकंड कंडीशन है ना 60 डेज और लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, चिंता ना करें, आपको याद भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो वो हम देखते हैं कि कहां कहां पर वो 60 डेज वाली कंडीशंस नहीं लगती, तो एक्सेप्शन हमें पता होनी चाहिए, मेनली तीन एक्सेप्शन हैं। फिर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, एक दो बार आए हुए एग्जाम में, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में, मेनली ये जो लोग क्रू मेंबर हैं इंडियन शिप्स के उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी डेट कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ पर, जर्नी एंड हुई उस डेट पर, तो वो निकालिए, वो हमें पता होना चाहिए उसको कैसे ट्रीट करना है। और फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक स्पेशल प्रोविजन्स हैं जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं मेनली, और इनकी अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मतलब इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपीज से ज़्यादा है, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन्स हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं। तो ये सारी बातें हमें इंडिविजुअल के बारे में आनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बातें कर रहा हूँ। फिर दूसरा, हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए कि HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, पार्टनरशिप फर्म AOP BOI के रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे कंप्यूट करेंगे, कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो ये हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात हो जाती है। बट अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, मेनली हमें इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट लेवल पर मेनली इंडिविजुअल के बारे में क्वेश्चन आते हैं, राइट। और वैसे भी आपको पता है ये सब निकालने काफ़ी ईजी हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, जहाँ पर हमें क्वेश्चन में चार पाँच तरह की इनकम दी होती है और पूछा जाता है कि अगर असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसकी कितनी टैक्सेबल इनकम बनेगी, नॉट ऑर्डिनरी है तो कितनी बनेगी, और नॉन रेसिडेंट है तो कितनी बनेगी। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग पास पेपर्स में देख सकते हैं। फिर इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया का क्या कंसेप्ट होता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो भी इनकम इंडिया में अराइज होती है और साथ साथ में डीम्ड टू अराइज होती है उसको हम टैक्सेबल करते हैं। तो ये डीम टू अराइज में कौन कौन सी इनकम आती हैं, या फिर डीम टू रिसीव में कौन कौन सी इनकम आती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें इतनी सारी बातें पता हैं तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं इस चैप्टर में रेसिडेंशियल स्टेटस में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्यों पढ़ते हैं, जल्दी से मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए होता क्या है, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो इंडिया में अराइज होती है, ठीक है, इनकम, एक सेकंड दीजिए, अराइज इन इंडिया, कुछ ऐसी इनकम होती है जो इनकम इंडिया में अराइज होती है, इसके ऊपर अगर कोई असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मैं मेनली इंडिविजुअल की बातें कर रहा हूं, कि अगर कोई असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वो ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स देता है। दूसरी चीज, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी,
तो भी वो इस इनकम के ऊपर टैक्स देता है, और अगर वो इनकेस नॉन रेसिडेंट है राइट तो भी इस केस में इस इनकम के ऊपर टैक्स आ जाता है। तो जो इनकम अराइज होती है इंडिया में वहां तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो दैट पर्सन हैज टू पे टैक्स। और दूसरी बात, जब मैं इनकम अराइज इन इंडिया की बातें कर रहा हूं तो मान लीजिएगा डीम टू अराइज भी बातें कर रहा हूं। दूसरी चीज, जो इनकम रिसीव होती है इंडिया में, इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, उसके ऊपर भी ये तीनों लोग टैक्स देते हैं। यानी कि यहां पर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये इंडियन इनकम है, ये इंडियन इनकम है। इंडियन गवर्नमेंट बोले कि बॉस ये आप इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, इंडिया से इसका रिलेशन है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी कि इन दोनों इनकम के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिडेंशियल स्टेटस से कुछ भी हो इनको टैक्स देना है। बट एक पॉइंट यहां पर है जो हमें, जिससे हम कंसर्न है, इनकम विच इज नीदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉर अराइज इन इंडिया। कोई इनकम ऐसी है, कोई इनकम ऐसी है विच इज नीदर अराइज, इंडिया में अराइज भी नहीं हुई नॉर रिसीव्ड इन इंडिया, जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, लेट्स से इंडिया में अराइज भी नहीं होती, इंडिया में रिसीव भी नहीं होती, इसके लिए हमें जानना जरूरी होता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है एसएससी का। तो अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हम लोग जानते हैं उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है राइट। और इन केस अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो हम बोल देंगे नहीं बॉस आपको इस केस पे यहां पर टैक्स नहीं देना है। तो ऐसी इनकम के लिए जानना जरूरी होता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है राइट। तो अगर वो इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही, रिसीव नहीं हो रही, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट के लिए हम नहीं करते। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आंसर है नहीं करेंगे, कभी कभी आंसर आता है हाँ करेंगे। कब नहीं करते हैं? अगर उसकी इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है फिर हम उसको अराइज नहीं करते, बट अगर वो इंडिया से कंट्रोल्ड हो रही है वैसी इनकम तो फिर हम बोल देते हैं फिर आपको भी टैक्स देना होगा। तो मेनली ऐसी इनकम के लिए हम लोगों को जानना जरूरी होता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है राइट। और हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स में ना काफी सारे प्रोविजंस हैं ऐसे जो नॉन रेसिडेंट्स को फैसिलिटीज नहीं मिलती, रेसिडेंट्स को मिलती है, उसके लिए भी हमें ये डिटरमाइन करना जरूरी होता है। तो हमें सबसे पहले ये वाई समझ में आना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन क्यों कर रहे हैं। तो इस रीजन की वजह से हम डिटरमाइन करते हैं, और काफी सारे इनकम टैक्स में प्रोविजंस ऐसे हैं जो नॉन रेसिडेंट्स के लिए अलग हैं, रेसिडेंट्स के लिए अलग हैं, उसके लिए हमें ये डिटरमाइन करने की जरूरत होती है करेक्ट ओके। अब दूसरी बात, अब रेसिडेंशियल स्टेटस हम निकालते कैसे? अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप, आई बिलीव आपने डाउनलोड कर लिया होगा इस बुक को, ठीक है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं rajatmohar.com, वहां पे डाउनलोड सेक्शन है, वहां से आपको ये बुक मिल जाएगी ओके। तो मैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, मैंने यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। फिर दूसरा आता है कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो फर्स्ट आता है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल की बातें करेंगे कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं उसकी बेसिक कंडीशंस। अगर बेसिक कंडीशंस में से दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम बोल देंगे कि बॉस वो रेसिडेंट है राइट। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंडीशंस देख के आना चाहिए। बेसिक कंडीशन क्या कहती है, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 2.3 पर, तो यहां पर मैंने बेसिक कंडीशंस लिखी हुई है, याद कीजिए क्या होती है। फर्स्ट बेसिक कंडीशंस, ठीक है, अपने आप बिना देखे ही ना आंख बंद करके याद कीजिए आपने, ठीक है, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं करेक्ट, तो आपको एकदम आना चाहिए चीजों को। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि 182 डेज अगर उसका स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर होता है, तो हम बोल देते हैं कि आपकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है। एनीवन, कोई भी एक सेटिस्फाइड हो रेसिडेंट बोल दीजिएगा, सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो गई। तो अगर किसी का भी स्टे 182 डेज और मोर, 181 नहीं 182 और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आए। अच्छा मुझे बताइए हम स्टे कैसे काउंट करते हैं, क्या पूरा कंटिन्यूस पीरियड उसको 182 डेज इंडिया में रहना होता है, एक बार आए और पूरे 182 डेज रहे? आंसर इज नो, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है, मैं 2024 एग्जाम्स की बातें कर रहा हूँ, तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 23-24 करेक्ट, तो 23-24 हमारे लिए प्रीवियस ईयर है।
तो इस प्रीवियस ईयर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 23 से लेकर 31st मार्च 2024 के बीच में अगर उसका स्टे 182 डेज है, अगर वो फॉर एग्जांपल कभी इंडिया आया फिर वापस चला गया फिर आया फिर वापस चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका अगर स्टे कंटिन्यूस भी नहीं है तो दैट इज इररिलेवेंट, हम उसके टोटल नंबर ऑफ डेज ही काउंट करेंगे ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया, राइट। क्या उसको इंडिया में किसी एक ही जगह पर रहना जरूरी है या इंडिया में वो कहीं भी रह सकता है? इंडिया में वो कहीं भी रह सकता है इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बात मैंने लिखी है। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया आप लोग जानते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया ही कहलाता है, तो अगर वो वहां पर भी है तो हम उसका स्टे इंडिया में ही मानेंगे। जिस दिन वो आया, डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं, वो स्टे इन इंडिया ही माना जाएगा, राइट। तो ये सारी बातें मैंने लिखी है, तो 180 डेज की कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, आप बोल दीजिए बिंदास कि वो है रेसिडेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कि उसका स्टे उससे कम था, फिर आप सेकेंड कंडीशन देखिएगा। सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि क्या उसका स्टे मिनिमम 60 डेज था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मिनिमम 60 से कम है तो फिर तो बना ही कर दीजिए, फिर तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, नॉन रेसिडेंट बोल दीजिए। अगर उसका 60 डेज, ये 60 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा भी है, मतलब 181 तक है, आप 60 डेज ही रखिएगा, 60 डेज और मोर, एंड साथ साथ में आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि उसका लास्ट प्रीसीडिंग फोर ईयर्स में, प्रीसीडिंग फोर ईयर्स का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर से पहले के चार साल, तो हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, इससे पहले के चार साल में उसका टोटल नंबर ऑफ स्टे क्या 365 डेज या उससे ज़्यादा था, तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती हैं यहाँ पर, यानी कि सेकेंड कंडीशन में दो सब कंडीशंस हैं, एक तो 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और दूसरा 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो वो हम कहते हैं कि वो रेसिडेंट हो जाएगा, राइट। कुछ लोगों के लिए हम ये कंडीशन नहीं देखते, वो मैं भी थोड़ी देर में आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक बार इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया, फिर हम फर्दर चेक करते हैं, ठीक है, एक बार वो रेसिडेंट हो गया फिर हम फर्दर चेक करते हैं क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, राइट। इनकेस अगर वो नॉन रेसिडेंट है फिर हम चेक नहीं करते हैं, नॉन रेसिडेंट के आगे के बाद फुल स्टॉप लग जाता है कि बस नॉन रेसिडेंट, बट इनकेस द असेसी इज अ रेसिडेंट, बेसिक कंडीशन में से दोनों में से एक सेटिस्फाइड हुई, रेसिडेंट निकला, फर्दर चेक कीजिए। कैसे फर्दर चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन लगा दीजिएगा उसके ऊपर। एडिशनल कंडीशन क्या होती है, नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, तो दो एडिशनल कंडीशन हैं और वो दोनों ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए अगर उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, तो अगर उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहले इजी वाली कंडीशन पहले लगा दीजिए, हो सकता है कि आपने पहले सेकंड वाली कंडीशन को पहले पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इजी वाली कंडीशन को पहले लगा देता हूँ क्योंकि आप भी एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि 730 डेज वगैरह वाली कंडीशन है ना वो थोड़ा इजी होती है डिटरमाइन करनी, तो आप एग्जाम में भी पहले इसको इसी को देखिएगा। तो अब उसका देखिएगा कि क्या उसका प्रीसीडिंग सेवन ईयर्स में, प्रीसीडिंग सेवन ईयर्स कौन से प्रीसीडिंग सेवन ईयर्स है, प्रीवियस ईयर से पहले के सात साल, प्रीवियस ईयर से पहले के सात साल में अगर उसका स्टे 730 डेज और मोर आ रहा है तो हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्योंकि बोथ द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर ऑर्डिनरी। सेकेंड कंडीशन भी अगेन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, वो ये कहती है कि जो प्रीसीडिंग 10 ईयर्स हैं, जब मैं प्रीसीडिंग 10 ईयर्स की बातें करता हूं तो प्रीवियस ईयर जो हमारा 23-24 है ना, इससे पहले के 10 साल के बारे में बातें करता हूं, ठीक है, इससे पहले के 10 साल के बारे में, ओके। तो प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में अगर वो किसी भी दो साल में रेसिडेंट है, बस रेसिडेंट देखना है, यानी कि बेसिक कंडीशन लगानी है, ठीक है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखना, सिर्फ रेसिडेंट ही देखेगा। तो आउट ऑफ दोज 10 ईयर्स कम से कम अगर दो में है तो चलेगा, एक में नहीं, कम से कम दो में वो रेसिडेंट होना चाहिए, तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट अगर कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल 730 डेज ही सेटिस्फाइड ना हो ना, फिर आगे चेक ही मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करानी थी, एक भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो सीधा नॉट ऑर्डिनरी ही बोल दीजिएगा। आई बिलीव यहां तक सब कुछ क्लियर है। अभी तक हमने क्या किया, इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए पहले बेसिक कंडीशंस लगाइए, अगर वो रेसिडेंट आता है तो फिर एडिशनल कंडीशंस भी लगाकर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी आपको देखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं अपने एग्जाम्स में, राइट। अब मैं एक चीज बता रहा था कि जो बेसिक कंडीशन में हम 60 डेज की कंडीशंस देखते हैं, कुछ असेसी के लिए, कुछ टाइप ऑफ इंडिविजुअल के लिए हम ये कंडीशन को नहीं देखते, हम सिर्फ 182 डेज ही देखेंगे, उनके लिए हम ये कंडीशन नहीं देखते हैं। याद कीजिए वो एक्सेप्शंस क्या क्या थी। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है
अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट से मतलब यहाँ पर होता है कि इधर वो जॉब करने के लिए बाहर जा रहा है या फिर वो बिजनेस करने के लिए बाहर जा रहा है, प्रोफेशन करने के लिए बाहर जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर वो अपना अर्निंग करने के लिए अगर बाहर जा रहा है तो उसके लिए फिर हम सेकेंड कंडीशन नहीं देखते, वी विल सी ओनली 182 डेज की कंडीशन। एक्सेप्शन क्या क्या है कि इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू वर्क आउटसाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, राइट, इधर फॉर जॉब और योर बिजनेस और प्रोफेशन एनीथिंग, राइट। दूसरी कंडीशन है जो इंडियन क्रू मेंबर है, जो क्रू मेंबर है इंडियन शिप के, उनके लिए भी हम 60 डेज की कंडीशन नहीं देखेंगे, उनके लिए हम देखेंगे 182 डेज। थर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ दिस इज अ पर्सन ऑफ ही इज अ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता था, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब बिफोर पार्टीशन, अगर उनका बर्थ हुआ हो तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। अगर वो सिर्फ विजिट करने के लिए इंडिया आता है, जनरली वो इंडिया के बाहर रहता है बट वो सिर्फ विजिट करने के लिए इंडिया आता है, घूमने के लिए, रहने के लिए, कुछ दिन छुट्टियां बिताने के लिए, वेकेशन वगैरह पर इंडिया आता है, तो उसके लिए भी हम 182 डेज की कंडीशन ही देखेंगे, 60 डेज की कंडीशन उसके लिए नहीं देखेंगे, राइट। तो ये तीन एक्सेप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कभी कभी एक दो बार इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जहां पर आपको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें दी होती हैं। तो मेनली जो लोग इंडियन शिप पर काम करते हैं, जो इंडियन शिप है वो आउटसाइड इंडिया भी जाती रहती है, लेट्स से इंडिया शिप यूएस जा रही है या सिंगापुर जा रही है, वो अलग अलग जगह पर जाती है, तो मेनली जो क्रू मेंबर्स हैं ज्यादातर उनका टाइम इंडिया के बाहर बीतता है, तो उनके नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कैसे निकालेंगे, तो जो उनका कंटिन्यूस जब वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो उनका जो कैप शिप का इंचार्ज होता है, मेनली कैप्टन ऑफ शिप होता है, वो एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट एंटर करता है कि इस दिन हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, राइट। और जब वो जर्नी टर्मिनेट होती है, जब खत्म होती है, तो फिर वो एंड डेट भी लिखता है। तो जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, ठीक है, इस स्टार्ट डेट से लेकर एंड डेट तक कि उसके पीरियड एक्सक्लूड करा जाता है, मानते हैं कि हम वो इंडिया में नहीं था, राइट, और दोनों डेट्स यहां पे इंक्लूसिव रहेंगी, जहां से स्टार्ट किया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में वो डेट भी हटा दीजिएगा, और फिर वहां से लेकर सारी डेट्स काउंट कीजिएगा कब तक, जब तक एंड हो रही है, और एंड वाली डेट को भी एक्सक्लूड करना है, करेक्ट। तो डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट व्हाइल जॉइनिंग द शिप टिल द डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ का मतलब वो जर्नी खत्म हो रही है, तो ये दोनों डेट इंक्लूसिव ऑफ दीज डेट्स और इसके बीच का जितना भी पीरियड है उसको हटा दीजिएगा, उसका स्टे इन इंडिया मत मानिएगा, करेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस आए थे 2 साल पहले, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, लेट्स से देयर इज एन असेसी, उसका नाम है, कुछ भी नाम ले लेते हैं, मिस्टर अरविंद। तो देयर इज अ पर्सन मिस्टर अरविंद, ये मेजरली दुबई में, ही इज एन इंडियन सिटीजन, ये एक इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, राइट, और ये रहते हैं मेनली दुबई में, इंडिया आते रहते हैं बट मेनली ये दुबई में रहते हैं, दुबई में इनकी जॉब है, इनका बिजनेस है, और ये एक और बिजनेस करते हैं, लेट्स से जैसे कि इंडिया में कैब सर्विसेज का बिजनेस होता है, ओला उबर वगैरह, इसी तरह का ये बिजनेस दुबई में भी करते हैं, और बट उसका जो बैक ऑफिस है मेनली वो कंट्रोल्ड, उसके जो एम्प्लॉयज वगैरह इन्होंने इंडिया में बिठाए हुए हैं, ठीक है, इंडिया से इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है, इंडिया के इन्वायरमेंट से ये आराम से फेमिलियर हैं, तो उसका जो मेनली कंट्रोल है वो इंडिया में है, राइट। तो क्या हुआ, ओके, तो ही हैज अ बिजनेस इन दुबई, इनका एक बिजनेस है दुबई में जिससे इनकी इनकम आती है, लेट्स से 25 लाख रुपीज की इनकी इनकम आती है, बट ये कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से कंट्रोल्ड होता है, और क्योंकि ये इंडिया से कंट्रोल्ड होता है तो इनका आना जाना भी रहता है इंडिया में, और मेनली ये मैं बातें कर लेता हूँ कि ये इंडिया में जनरली फॉर एग्जाम्पल 150 डेज के लिए या 160 डेज के लिए इंडिया में आते हैं, ये अपना कुछ इस तरीके से प्लानिंग करते हैं नंबर ऑफ डेज की कभी भी 182 ना हो, क्योंकि जैसे ही 182 और मोर हो जाएगा तो हम इनको रेसिडेंट बोलते हैं, तो ये हमेशा सोचते हैं कि मैं नॉन रेसिडेंट रहता हूँ, ठीक है, जिससे नॉन रेसिडेंट रहेंगे तो इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही, रिसीव नहीं हो रही है,
ठीक है, तो ये यहां पर टैक्सेबल नहीं करते हैं इसको। तो क्या हुआ, तो अपना नंबर ऑफ डेज इस तरीके से प्लानिंग करेंगे कि 182 डेज से कम रहे। अब क्या होगा, जब हम इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगाएंगे 182 डेज की, वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। सेकंड कंडीशन इनके ऊपर लगेगी नहीं, क्यों, बिकॉज एक्सेप्शन में आ जाएंगे, बिकॉज इज अ पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये इंडिया सिर्फ विजिट करने, ये कहते हैं मैं तो विजिट करने के लिए आया हूं, तो 60 डेज वाली कंडीशन इनके ऊपर लगती नहीं है, तो ये नॉन रेसिडेंट हो गए। अब ये नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं तो ऐसी इनकम ना तो ये इंडिया में अराइज हो रही है ना इंडिया में रिसीव हो रही है, तो इसके ऊपर कभी इंडिया से कंट्रोल्ड हो रही है बट, पर क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट हो गए तो ऐसी इनकम के ऊपर कभी भी इंडिया में टैक्स लगेगा नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि बॉस ऐसी इनकम के ऊपर भी हमें टैक्स लगाना है, तो अगर ऐसी इनकम के ऊपर हमें टैक्स लगाना है तो यहां पर गवर्नमेंट ने इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए। गवर्नमेंट ने यहां पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर बोला कि लॉ मेकर्स ने यहां पर यह बोला कि अगर आपकी इनकम अदर देन, अब इस फ्रेज को समझिएगा, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस अगर 15 लाख को एक्सीड करती है, 15 लाख को एक्सीड करती है, और आप एक इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो हम आपके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस की जो बेसिक कंडीशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो 182 डेज की ही रखी, और सेकेंड बेसिक कंडीशन यहां पर ले आए इनके लिए, बट कितना लेकर आए कि कम से कम आपका स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 120 डेज होना चाहिए और लास्ट 4 ईयर्स में आपका स्टे 365 डेज और मोर होना चाहिए। यानी कि इनके लिए 120 डेज वाली कंडीशंस ले आते हैं कि इन दोनों में से आप कोई भी सेटिस्फाई करेंगे तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि जनरली ये इंडिया में 150-160 डेज के लिए आते हैं, इतना तो 3-4 महीने के लिए तो कम से कम आएंगे ना, अगर इनको कंट्रोल करना है तो ऐसे लोग यहां पर कम से कम रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर नॉट ऑर्डिनरी भी बन पाए तो फिर भी ये वाली इनकम हम टैक्सेबल कर देंगे बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, राइट। तो ये याद रखिएगा, इनके लिए यहां पर प्रोविजंस आए थे। अच्छा, ये अदर देन फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या होता है, अदर देन फॉरेन, अब खुद समझिए जरा, अदर देन फॉरेन, अदर देन फॉरेन का मतलब क्या हुआ, इंडियन। तो क्या मैं अदर देन फॉरेन को इसको यहां से हटाकर इंडियन सोर्स लिख सकता हूं, ऑल्दो लॉ मेकर्स ने यूज किया अदर देन फॉरेन सोर्सेस, एक्सेप्ट फॉरेन सोर्सेस, बट प्लीज समझने के लिए अदर देन फॉरेन को इस सिर्फ ये पूरा लिखा है अदर देन फॉरेन सोर्सेस, तो मैं क्या करता हूं अदर देन फॉरेन को इंडियन बोल देता हूं, तो मैं इसको बोल देता हूं इंडियन। तो इसका मतलब अगर इनकी इंडियन सोर्स से इनकम, इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख को एक्सीड करती है तो इनके ऊपर ये प्रोविजंस आ जाएंगे। ये इंडियन सोर्स का मतलब क्या होता है, इंडियन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी इनकम जो इंडिया से अराइज हुई है, जो इनकम इंडिया में अराइज हुई है उसको हम बोलेंगे कि ये इंडियन सोर्स की इनकम है, या फिर इनकम कोई इंडिया में रिसीव हुई है हम उसको बोलेंगे कि वो इंडियन सोर्स की इनकम है, या फिर अगर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, अगर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो उसको भी हम इंडियन सोर्स की इनकम बोल सकते हैं। इंडियन सोर्स का मतलब क्या हुआ, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, राइट। तो इसको हम लोग इंडियन सोर्स की, अदर देन फॉरेन सोर्सेस की इनकम बोल सकते हैं। अगर ऐसी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर भी ये प्रोविजंस लग जाएगा। बेसिक कंडीशंस कैसे चेक करेंगे, 182 डेज की कंडीशन, और सेकंड कंडीशन 120 डेज और लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज। तो ये हो जाते हैं रेसिडेंट। अब क्वेश्चन आ जाता है, अगर रेसिडेंट हुए तो ऑर्डिनरी माने या नॉट ऑर्डिनरी माने, तो यहां पर लॉ मेकर्स ने कहा कि अगर देखिए उनका स्टे 120 डेज से 181 डेज तक है, इनके ऊपर वो एडिशनल कंडीशंस पुरानी वाली मत लगाना 730 डेज की या 2 out of 10 वाली, नहीं, इनके लिए स्पेशल कंडीशन प्रोविजंस हैं। तो इनके लिए बोला गया कि अगर आपका स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 120 डेज, तो देखो मिनिमम हो गई, ठीक है 120 डेज होगा तभी तो ये रेसिडेंट बने, तो 120 डेज से ज्यादा है, 120 डेज या मोर है, बट अप टू 181 है, तो हम इनको बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर इनका स्टे 182 डेज और मोर है तो हम बोल देंगे इनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, एडिशनल कंडीशंस भी इनके लिए चेंज हो गई है, करेक्ट। देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु विजिट्स इंडिया एंड हिज टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख, कौन सी इनकम, एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मतलब कौन सी, इंडियन सोर्स वाली इनकम। अगर आपकी 15 लाख रुपीज से ज्यादा है तो अगर आप कोई भी कंडीशन, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे, 182 डेज या फिर 120 डेज और मोर एंड लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज। अगर आप रेसिडेंट बनते हैं तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी डिपेंड करता है, प्रीवियस ईयर ही देखेंगे आपका 120 से 181 डेज है
तो नॉट ऑर्डिनरी, 182 डेज और मोर है तो ऑर्डिनरी डेसेंट। आई बिलीव समझ में आ गया होगा। अब एक और प्रोविजन बनाया इंडियन सिटीजन के लिए, देखो ये था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, बट एक और प्रोविजन बनाया गया था सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। इनको बोला, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजन है, थोड़ा सा चेंज है बस यहां पर, इनको बोला कि अगर आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख को एक्सीड करती है, मतलब इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख को एक्सीड करती है, और आप किसी भी कंट्री में अगर आप रेसिडेंट नहीं बन रहे हो, ठीक है, आप अपने प्लानिंग इस तरीके से करते हो तो कि किसी भी कंट्री में आप टैक्सेबल नहीं हो, तो उस केस में हम आपको कंपल्सरी इंडिया में रेसिडेंट मानेंगे बट नॉट ऑर्डिनरी। क्योंकि बट नॉट ऑर्डिनरी क्यों बोला गया, क्योंकि मेनली हम लोग इंडियन गवर्नमेंट उस इनकम से कंसर्न है जो इंडिया से कंट्रोल्ड हो रही है, राइट। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर असेसी एक इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख, कौन सी टोटल इनकम देखनी है हमें, अदर देन फॉरेन सोर्सेज वाली, अदर देन फॉरेन सोर्सेज मतलब इंडियन सोर्सेज वाली इनकम। इंडियन सोर्सेज वाली इनकम मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी होती है, जो इनकम इंडिया में अराइज होती है, डीम टू अराइज होती है, रिसीव या डीम टू रिसीव, या फिर इनकम जो कंट्रोल्ड होती है फ्रॉम इंडिया से। अगर आपकी इनकम ऐसी इनकम 15 लाख रुपीज से ज्यादा है और आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं पे करते हो, ठीक है, बिकॉज आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस इस तरीके से डिटरमाइन करते हो या आपकी डोमिसाइल या किसी भी अदर पैरामीटर से आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो आप कंपलसरी इंडिया में रेसिडेंट बनोगे, बट कैसे, नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविजन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, क्योंकि ज्यादा पुरानी अमेंडमेंट्स ये है नहीं। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने यहां पर देखा था वाई रेसिडेंशियल स्टेटस, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, बेसिक कंडीशंस याद आती हैं अब आपको, याद कर पा रहे हो बेसिक कंडीशंस। नॉर्मली हम लोग क्या लेंगे, एडिशनल कंडीशन 730 डेज और 2 out of 10 वाला, एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन बाहर वर्क करने के लिए जाता है, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जाता है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या फिर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने के लिए आता है। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में हमें पता चल गया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो जिस दिन वो जर्नी स्टार्ट हुई है तब से लेकर काउंट कीजिएगा जब तक वो जर्नी खत्म हो रही है वो पीरियड, और इंक्लूसिव ऑफ बोथ द डेज वो इंडिया में स्टे नहीं मानेंगे। और स्पेशल प्रोविजंस भी हमें पता चल गए कि उन लोगों के लिए जिनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपीज से ज्यादा होती है उनके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, करेक्ट। तो ये था इंडिविजुअल के बारे में, समझ लीजिए 60-70% आपका ये चैप्टर खत्म हो गया आपको अगर ये पता है चीजें तो, राइट। ओके, अब हम इंडिविजुअल एच के से बाहर निकलते हैं, एचयूएफ पर आते हैं। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करेंगे, और फिर फर्म एओबी बीवाई और फिर कंपनी के लिए। तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना बहुत ईजी होता है, हम ये देखते हैं कि उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां से होता है। अगर उसका 100% कंट्रोल ऑफ एचयूएफ आउटसाइड इंडिया है तो हम बोल देते हैं नॉन रेसिडेंट, राइट। 100% कंट्रोल यानी कि कोई भी डिसीजन इंडिया से लिया ही नहीं जाता तो हम बोल देंगे उस एचयूएफ को नॉन रेसिडेंट। मगर उसका अगर, ठीक है मैं क्या बोल रहा था, तो अगर इन केस उसका थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया से है, ठीक है, इन केस अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल उसका इंडिया से है, ठीक है, इवन वन डिसीजन यानी कि 1% भी पार्शियल कंट्रोल भी इंडिया से है तो हम उसको रेसिडेंट बोल देते हैं। तो एचयूएफ के लिए हम देखते हैं उसका मेजर कंट्रोल कहां से है। अगर उसका 100% आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, थोड़ा सा भी फुल और पार्शियल भी अगर इंडिया है तो रेसिडेंट बोल देंगे। और अगर वो रेसिडेंट बोलेंगे तो फिर हम देखते हैं फर्दर कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी एचयूएफ है, तो डिपेंड करता है उसके कर्ता के ऊपर। तो कर्ता के ऊपर एडिशनल कंडीशंस लगा दीजिएगा, अगर कर्ता वो एडिशनल कंडीशंस दोनों फुलफिल कर देता है तो वो एचयूएफ ऑर्डिनरी बन जाएगी, बट अगर कर्ता वो फुलफिल नहीं कर पाता है कंडीशंस तो वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगी, राइट। देख लीजिए आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है, दिस इज पेज नंबर 2.5, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। ओके, इफ फुल और पार्शियल कंट्रोल ऑफ एचयूएफ इज फ्रॉम इंडिया, अगर वो इंडिया से है क्या पूरा का पूरा या पार्शियल भी तो रेसिडेंट, अगर एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। रेसिडेंट बनती है तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी डिपेंड करता है उसके कर्ता के ऊपर, तो कर्ता के ऊपर एडिशनल कंडीशंस लगा दीजिए, राइट। कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ऑर्डिनरी, सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो नॉट ऑर्डिनरी, राइट। उसके बाद आता है कि पार्टनरशिप फर्म एओपी बीवाई का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे या कंपनी का कैसे निकालेंगे। मैं आपको बता दूं सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही हम ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी चेक करते हैं,
पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई या अदर ऐसे ऐसी या कंपनी के लिए हम सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट देखते हैं बस, ठीक है, उनके लिए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं आता है। ओके, पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई के लिए सेम सिमिलर बातें हैं बिल्कुल। अगर एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट, फुल और पार्शल थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट, बस दैट्स इट, ठीक है। जनरली एग्जाम के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के लिए नहीं आता है मेनली, ठीक है, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता है क्या करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए जितनी भी इंडियन कंपनीज होती है, इंडियन कंपनीज का मतलब होता है जो रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और अर्लियर एक्ट लाइक 1956, तो अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसको हम इंडियन कंपनी बोलते हैं, दे विल ऑलवेज बी रेसिडेंट, ठीक है। अगर अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो कहेगा कि एक इंडियन कंपनी है बट उसका मेनली ऑपरेशंस इंडिया के बाहर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, यूएस में होते हैं, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, राइट, वो इंडियन कंपनी है, उसको हमेशा रेसिडेंट बोलिएगा, राइट। तो इसका मतलब फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट हो जाती है, जनरली यस फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट होती है, बट अगर फॉरेन कंपनी का, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM, अब देखो इस वर्ड से समझ में आ रहे हैं, इफेक्टिवली वो कहां से मैनेज हो रही है, इंडिया से, तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है बट वो इफेक्टिवली इंडिया से मैनेज हो रही है तो फिर भी हम उसको रेजिडेंट ही बोलेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव, इफेक्टिवली मैनेज का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मैनेज का मतलब ये होता है कि मेनली जो उसके कमर्शियल डिसीजंस हैं, उसके जो बिजनेस के मैनेजमेंट डिसीजंस हैं जिसको उसके बिजनेस को वो अफेक्ट करते हैं, तो वो मेनली अगर इंडिया से लिए जाते हैं उसको कहते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि किसी फॉरेन कंपनी के दो शेयर होल्डर्स इंडिया आए और उन्होंने किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी और चले गए, थोड़ी बहुत बातें करी, गप्पे मारी और चले गए, तो क्या वो उनका इफेक्टिवली इंडिया से मैनेज हो रही है, तो आंसर इज नो, ठीक है। मेनली कुछ उसके ऐसे डिसीजंस, ऐसे पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस, ऐसे उसके कुछ कंट्रोल अगर इंडिया से है तो हम बोलेंगे फिर वो रेसिडेंट मानी जाएगी। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, राइट। ओके, तो यहां पर हमने ये बातें भी कंप्लीट कर ली हैं, एचयूएफ फर्म और कंपनी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाते हैं जहां पर आपको चार पांच तरह की इनकम दी होती है, चार पांच तरह की इनकम दी होती है, और हमें इससे पूछा जाता है क्या वो इनकम रेसिडेंट अगर एसएससी है तो उसके लिए कितनी बनेगी, नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए कितनी बनेगी, या फिर नॉट ऑर्डिनरी है तो फिर उसके लिए कितनी बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर इनकम इंडिया में अराइज हो रही है या डीम्ड टू अराइज हो रही है तो फिर हम सब तीनों लोगों के हाथों में टैक्सेबल कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी है, या फिर नॉन रेसिडेंट है, या फिर जो इनकम इंडिया में रिसीव होती है। अच्छा, रिसीव और रेमिटेंस में डिफरेंस समझते हैं। रिसीव का मतलब होता है जब डायरेक्टली आपको वो पैसा रिसीव होता है इंडिया, उसको बोलते हैं रिसीव। बट अगर वो पहले से आपको अगर वो पैसा रिसीव हो चुका था, सिर्फ आप उसको ट्रांसफर करा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका एक यूएस में घर है, यूएस में घर है और आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है, तो जो उसका टेनेंट है जो यूएस में रहता है, आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है, तो जनरली वो आपको, अच्छा पहले बताओ अराइज कहाँ पर हो रही है इनकम, यूएस में। इंडिया में तो अराइज नहीं हो रही है क्योंकि वो असेट सिचुएटेड है यूएस में। उसका जो टेनेंट है वो आपको रेंट दे देता है आपके यूएस के बैंक अकाउंट में, वो यूएस के बैंक अकाउंट में वो पैसा आपको मिल जाता है, वहां पर आपको ट्रांसफर कर देता है। तो प्लीज बताइए क्या वो पैसा आपको रिसीव हो गया। आंसर इज यस सर, मेरे बैंक अकाउंट में, अब तो मेरे बैंक अकाउंट से कोई निकाल नहीं सकता, वो पैसा मुझे रिसीव हो गया। वो कहां पर रिसीव हुआ, यूएस में। बट बाद में आप उसको ट्रांसफर करा लेते हैं इंडिया में, अपने इंडिया के अकाउंट में, दैट्स कॉल्ड रेमिटेंस। उसको रिसीव नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, आप उसके ओनर बन चुके थे यूएस में, करेक्ट। रिसीव कब होता है वो, फॉर एग्जांपल वो जो आपका टेनेंट यूएस में बैठा हुआ है वो डायरेक्टली आपको इंडिया के अकाउंट में अगर ट्रांसफर करता, डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जब आपको वो पैसे मिलते वो डायरेक्टली इंडिया के अकाउंट में अगर आपको ट्रांसफर करता, दैट इज कॉल्ड रिसीव इन इंडिया। तो हम लोग रेमिटेंस को नहीं देखते, हम लोग देखते हैं रिसीव को, कि वो डायरेक्टली पैसा जो सोर्स है पैसे का, जो पैसा पे कर रहा है वो कहां पर पे कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब आपको वो पैसा मिलता है तो दैट इज कॉल्ड रिसीव इन इंडिया। तो कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है या डीम टू रिसीव होती है तो वो तीनों लोगों के हाथों में टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, या नॉन रेसिडेंट, राइट।
बट ऐसी इनकम जो इंडिया में अराइव नहीं हो रही है, रिसीव नहीं हो रही है, वो नॉन रेसिडेंट के ऊपर बिल्कुल भी टैक्सेबल मत कीजिएगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ऊपर तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो उसके लिए तो कीजिएगा। जो नॉट ऑर्डिनरी है, हम देखते हैं क्या वो इनकम इंडिया से कंट्रोल हो रही है। अगर इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो टैक्सेबल है, कंट्रोल नहीं हो रही तो टैक्सेबल नहीं है, राइट? तो ये बात मैंने यहां पर लिखी भी हुई है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम में जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। वो इनकम इंडिया में अराइज हो, इंडिया में रिसीव हो, या इंडिया के बाहर भी अराइज हो या रिसीव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। नॉन रेसिडेंट की सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होती है जो इंडिया में रिसीव हो रही है या अराइज हो रही है, बस दैट्स इट। जो आउटसाइड इंडिया है वो नहीं होती है, ठीक है? नॉट ऑर्डिनरी के लिए इंडिया में अराइज और रिसीव तो माना ही जाएगा, साथ साथ में अगर कोई ऐसी इनकम है जो इंडिया के बाहर अराइज हो रही है, इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, ठीक है, इंडिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। बट अगर वो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तब हम नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल करते हैं। प्लीज मुझे बताइए, यहां पर कंट्रोल्ड से कोई फर्क पड़ेगा क्या नॉन रेसिडेंट के लिए? नहीं सर, यहां पर कंट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली या तो इंडिया में अराइज हो रही हो या डीम टू अराइज, रिसीव या डीम टू रिसीव, राइट? यहां पर कंट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन रेसिडेंट के लिए। सिर्फ कंट्रोल वाली बातें नॉट ऑर्डिनरी के लिए ही चेक कीजिएगा। क्लियर हो गई बातें? ओके, अब दो कंसेप्ट और समझते हैं। ये डीम्ड टू अराइज क्या होता है और डीम टू रिसीव क्या होता है, राइट? देख सकते हैं आप लोग, अब दो चीजें और बची हमारी, डीम टू अराइज और डीम टू रिसीव क्या होता है। तो सबसे पहले डीम टू अराइज क्या होता है। कुछ ऐसी इनकम है जो जनरली देखा गया कि इंडिया में अराइज तो नहीं हो रही, पर फिर भी उसको मान लिया जाता है। डीमिंग प्रोविजंस क्या होते हैं, हम उनको मान लेते हैं कि वो इंडिया की ही इनकम है, कि वो इंडिया में ही अराइज हो रही है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से देयर इज अ पर्सन मिस्टर सुमित, ठीक है, मिस्टर सुमित हैं, ये इंडियन सिटीजन है, ठीक है, दिस पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, और इनकी जॉब लगती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कोई एग्जाम क्लियर करते हैं, उनकी जॉब लगती है, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी पोस्टिंग कर देती है लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी है और ये बोल देती है कि अमित आपको ना ऑस्ट्रेलिया में, हमारा इंडियन एम्बेसी है वहां पर, आपको अपनी सर्विसेज रेंडर करनी है, हम आपको सैलरी दे देंगे, वहीं आपको सैलरी भी मिल जाएगी। तो जनरली मान लेते हैं प्रीवियस ईयर में ये इंडिया सिर्फ छुट्टियां बिताने के लिए फेस्टिवल्स वगैरह पर आए थे, ठीक है, 10-15 दिन के लिए आए थे और बाकी पूरे साल ये इंडिया में नहीं थे, तो सिर्फ 10-12 दिन के लिए थे, नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। अब बिकॉज इनको सैलरी मिल रही है, अब ये सर्विसेज कहां पर रेंडर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इनको रिसीव भी कहां पर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी या नहीं? तो यहां पर लॉ मेकर्स ने क्लियर कर दिया कि ऐसी इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया मानी जाती है। इफ दिस पर्सन, जो रिसीवर है, अगर वो इंडियन सिटीजन है, याद रखिएगा इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो, ठीक है, अगर वो फॉरेन सिटीजन है फिर नहीं लगेगा ये प्रोविजन। दैट पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिलती है, तो उस केस में वो इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब इस पे एक और पॉइंट आ जाता है जो मेनली सैलरी चैप्टर में भी आता है और यहां पर भी आता है कि जो इनकी सैलरी मिल रही है वो डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सैलरी के अलावा इसका मतलब अलाउंसेस, परक्यूजिट, सब कुछ डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, टैक्स लग जाएगा। बट इनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, इनको जो अलाउंसेस मिलते हैं या इनको जो परक्यूजिट्स मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 अंडर बोथ द टैक्स रिजीम, चाहे ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करे 115BAC या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो करे, दोनों ही केसेस में ऐसे अलाउंसेस और परक्यूसिट्स एग्जेम्प्ट रहते हैं। तो इसका मतलब जो सिर्फ बेसिक सैलरी है उसको ही टैक्सेबल कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, तो प्लीज अलाउंसेस और परक्यूसिट्स को इनको एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। ऑल्दो वो डीम्ड टू अराइज इन इंडिया है बट फर्दर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया सेक्शन 10 ने, बट सिर्फ बेसिक सैलरी टैक्सेबल कीजिएगा इनके लिए। तो हम देखते हैं कि सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो इनके लिए हम डीम टू अराइज इन इंडिया मानेंगे। देखिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए और पैसे कहां से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बट हम जानते हैं कि इनके लिए अलाउंसेस और परक्यूसिट्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 10 अंडर बोथ द टैक्स रिजीम, राइट? दूसरा समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर पॉल हैं और ये न्यूजीलैंड में रहते हैं, ये न्यूजीलैंड में रहते हैं और ये काफी अच्छे आईटी प्रोफेशनल हैं, काफी अच्छे आईटी प्रोफेशनल, इनका काफी नाम है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है बेस्ड इन लेट्स से
चेन्नई, और इनको पता चलता है कि मिस्टर पॉल न्यूजीलैंड में रहते हैं और इनके बहुत अच्छे आईटी प्रोफेशनल है, ये इनको हायर करना चाहती है। ये इनको बोलती है, इंडियन कंपनी इनको बोलती है कि हम आपको हायर करना चाहते हैं, आप इंडिया आ जाइए। ठीक है, तो मिस्टर पॉल बोलते हैं कि मैं सैलरी लूंगा इंडियन रुपीज के हिसाब से, लेट से 5 लाख रुपीज पर मंथ। तो ये कहते हैं कि मैं 5 लाख रुपीज पर मंथ लूंगा और मैं इंडिया आ जाऊंगा आपके लिए सर्विस सेंटर करने के लिए। ठीक है, तो बट मिस्टर पॉल का ये कहना है कि मैं सर 2 महीने के बाद आऊंगा, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं 2 महीने के बाद आऊंगा, बट आप मुझे सैलरी अभी से देना शुरू कर दीजिए। तो थोड़ा सा वो मनमानी कर रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा इंप्लॉई है, उसको बहुत एक्सपर्ट है। तो इंडियन कंपनी कहती है ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको 2 महीने की सैलरी, ये अभी फिलहाल न्यूजीलैंड में ही है, 10 लाख रुपीज को 5 लाख 10 लाख रुपीज मिल गए, अभी इसने सर्विसेज रेंडर करना शुरू भी नहीं करा है, फिर भी ये 10 लाख रुपए मिल गए हैं। फिर बाद में जब इंडिया आएगा फिर तो जो पैसे मिलेंगे वो तो टैक्सेबल होंगे इंडिया में। क्वेश्चन ये है कि ये 10 लाख भी टैक्सेबल करेंगे इंडिया में? द आंसर इज यस। तो कोई भी अगर आप सर्विसेज रेंडर करते हैं और आपको कोई भी सैलरी पे की जाती है फॉर द लीव पीरियड, फॉर द रेस्ट पीरियड, बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर ज्वाइनिंग करने के बाद, तो ऐसी इनकम भी टैक्सेबल होती है, डीम्ड टू अराइज इन इंडिया मानी जाती है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन सिटीजन थे, वो इंडिया में जॉब करते थे, फिर वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन में इंडिया में टैक्सेबल होगी। उसके बाद वो फॉर एग्जांपल अपने बच्चों के पास यूएस चले गए, वो यूएस में रहने लगे, बट उनको पेंशन मिल रही है, ठीक है, सर्विसेज के बाद भी अगर उनको पेंशन मिल रही है तो दैट पेंशन इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, राइट। तो इस तरह की इनकम होती है बिफोर स्टार्टिंग योर जॉब या आफ्टर योर जॉब जो पैसे मिलते हैं आपको, बिकॉज आपने इंडिया में सर्विसेज रेंडर की थी, इसकी वजह से आपको जो पैसे मिलते हैं दैट इनकम इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सैलरी फॉर द लीव पीरियड, रेस्ट पीरियड, प्रीसीडेड और सक्सीडेड बाय सर्विसेज रेंडर्ड, एग्जांपल पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट, तो ऐसी इनकम भी डीम टू राइज इन इंडिया मानी जाती है। ठीक है, ओके। जो इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरनर है, नॉन रेसिडेंट है, उसने कोई इंडियन शेयर्स खरीदे, वहां पर बैठे बैठे ही खरीद लिए उसने शेयर्स, वो इंडिया आया भी नहीं, और उसको जो डिविडेंड है वो भी यूएस में ही रिसीव हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसी की कंट्री में उसको रिसीव हो जाता है, वो कहता है वो मैं इंडिया आया भी नहीं, बट वो इंडियन, वो डिविडेंड किससे मिल रहा है? इंडियन कंपनी से, दैट डिविडेंड वुड बी टैक्सेबल। तो अगर आपको वैसे क्वेश्चन आ जाए स्कोप ऑफ टोटल इनकम के, और वहां पर लिखा रहता है एक पॉइंट कि डिविडेंड इसको मिला है, फॉर एग्जांपल यूएस में उसको डिविडेंड मिला है, बट मिला है फ्रॉम इंडियन कंपनी, प्लीज उसको टैक्सेबल कर दीजिएगा, उसको टैक्सेबल कर दीजिएगा, दैट इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, राइट। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के तीनों के लिए सेम प्रोविजन है, कोई भी एक समझ जाइए, बाकी दोनों आप अपने आप समझ जाएंगे। तो होता क्या है, इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं 5 मिनट। ओके, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन मिस्टर पॉल, ठीक है, मिस्टर पॉल है, फॉर एग्जाम्पल ये यूएस में रहते हैं, ठीक है, ये यूएस में रहते हैं और इंडिया कभी आए भी नहीं है, ही इज अ नॉन रेसिडेंट, बट ही इज अल्ट्रा रिच पर्सन, इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत पैसा है, और ये इतना पैसा है कि दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट को भी ये लोन देते रहते हैं, लेट से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इनसे कोई लोन लेता है, ठीक है, इनसे कोई भी लोन लेगा तो इनको इंटरेस्ट पे करेगा, राइट, वो इंटरेस्ट इनकी इनकम होती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? देखो, अगर उसका कोई इंडिया से कनेक्शन होगा फिर तो मानी जाएगी ना इनकम। फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर पॉल से कोई लोन लेता है न्यूजीलैंड वाला बंदा और वो इसको इंटरेस्ट पे करता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स क्यों लगाएगी? इंडियन गवर्नमेंट तभी लगाएगी टैक्स अगर उसका इंडिया से कुछ कनेक्शन है, करेक्ट। तो हम लोग ये मानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये सब लोग मैं अलग अलग बताऊंगा, ये सब लोग कौन है, ये बोरोवर्स हैं, तो ये बोरोवर है, और अगर ये बोरोवर है तो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इन केस अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है, उस पैसे को वो कहीं पर भी यूज करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हो सकता है कि विद इन इंडिया यूज करे उस पैसे को, या फिर हो सकता है कि वो पैसा कहीं और यूज करे, लेट से बांग्लादेश में यूज करे या कहीं और यूज करे, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पैसे को कहीं पर भी यूज करती है, वेदर इन इंडिया वेदर आउटसाइड इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इंटरेस्ट पे करेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इंटरेस्ट इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, दैट इंटरेस्ट इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। सेम कंसेप्ट रॉयल्टी के हैं, सेम कंसेप्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को भी
रॉयल्टी पे करती है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करती है, तो ऐसी इंटरेस्ट, ऐसा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ऐसी रॉयल्टी इंडिया में अराइज मानी जाएगी, डीम्ड टू अराइज मानी जाएगी। क्लियर है, सिंपल है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनसे बोरो करता है कोई रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इनसे पैसे बोरो करता है और ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको इंटरेस्ट पे करता है, तो क्या वो पॉल का इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल माना जाएगा? तो यहां पर ये बात समझनी होगी कि वो रेसिडेंट उस पैसे को कहां पर यूज कर रहा है। अगर उस रेसिडेंट ने उस पैसे को इंडिया में यूज किया और फिर इंटरेस्ट पे करता है, तो ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर हम बोलेंगे कि दैट इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। तो पॉल की इनकम हो जाएगी उस इंटरेस्ट इनकम की, वो इनकम हम मानेंगे डीम्ड टू अराइज इन इंडिया है। या फिर ये रेसिडेंट फॉर एग्जांपल इनको रॉयल्टी पे करता है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करता है, जिसको वो यूज कहां पे कर रहा है, इंडिया में, तो हम इसको डीम्ड टू अराइज इन इंडिया बोलेंगे। बट अगर इन केस वो रेसिडेंट इसको यूज करता है आउटसाइड इंडिया, अब देखो पैसा किससे लिया गया, एक यूएस वाले बंदे से, नॉन रेसिडेंट से, वो पैसा यूज कहां पर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी हम इसको फिर टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो अगर ये रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इस पैसे को यूज करता है, तो फिर हम यहां पर, या फिर ये रॉयल्टी इनसे लेता है तो वो रॉयल्टी का कॉपीराइट वगैरह इंडिया के बाहर यूज करता है, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज लेता है, वो फीस फॉर टेक्निकल, वो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के बाहर यूज करता है, तो फिर हम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया नहीं बनाएंगे, उस केस में आप मत बनाइएगा, ठीक है, राइट। तो इंडिया में ये कहीं पर भी यूज करे, अब ऐसा है कि वो इंडिया में चाहे वो अपने बिजनेस में यूज करे या किसी और बिजनेस में यूज करे, बट वो पैसा इंडिया में यूज होना चाहिए। हो सकता है कि इंडिया में ये रेसिडेंट खुद के अपने बिजनेस में, ओन बिजनेस में यूज करे, हो सकता है इनडायरेक्टली किसी और के बिजनेस में यूज करे, मतलब इन्वेस्टमेंट करे कहीं और, या फिर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद ले या शेयर्स खरीद ले, बट वो किसके खरीद रहा है, इंडियन कंपनीज के डिबेंचर, इंडियन कंपनीज के शेयर्स, मतलब वो इनडायरेक्टली कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो पैसा रेसिडेंट इंडिया में यूज कर रहा है, वेदर इन हिज ओन बिजनेस और इन अदर्स बिजनेस इन इंडिया, तो भी वो इंटरेस्ट इंडिया में डीम्ड टू अराइज बनेगा, बट अगर वो इंडिया के बाहर करता है तो नहीं बनेगा, राइट। सेम कंसेप्ट रॉयल्टी, सेम कंसेप्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ओके। लेट से इस नॉन रेसिडेंट से बोरो करता है एक दूसरा नॉन रेसिडेंट, एक दूसरा नॉन रेसिडेंट बोरो करता है, और इनकेस वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है और सिर्फ अपने बिजनेस में, ओन बिजनेस, इनडायरेक्टली कहीं और नहीं, डायरेक्टली अपने बिजनेस में, तभी आप ऐसा इंटरेस्ट, अब ये नॉन रेसिडेंट जब इस मिस्टर पॉल को पैसे पे करेगा इंटरेस्ट के, तो वो इंटरेस्ट डीम टू अराइज इन इंडिया बन जाएगा। बट यहां पर देखिए इधर और इधर क्या डिफरेंस था, वो रेसिडेंट अपने बिजनेस में भी यूज कर सकता था और रेसिडेंट दूसरे के बिजनेस में भी यूज कर सकता था इन इंडिया, बट यहां पर ये जो नॉन रेसिडेंट है ये सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में यूज करेगा, तभी आप डीम टू अराइज इन इंडिया मानेंगे। अगर उसने इंडिया में पैसा यूज तो किया, बट इनडायरेक्टली उसने इंडिया में किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इंडिया में किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए और इसको वो इंटरेस्ट पे करता है, तो वो इंटरेस्ट डीम टू अराइज इन इंडिया नहीं बनेगा। हाँ, ऑब्वियसली वो एक दूसरी ट्रांजेक्शन भी आ रही है यहाँ पर, सर अगर इसने डिबेंचर्स खरीद लिए इंडियन कंपनी के, तो हाँ जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो ऑब्वियसली, या डिविडेंड मिलेगा वो इंडियन कंपनी से मिल रहा है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट मैं बातें कर रहा हूँ जो इस पॉल को इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। और ऑब्वियसली ये नॉन रेसिडेंट अगर ये आउटसाइड इंडिया यूज करता है पैसा, तो ऑब्वियसली फिर तो आपको पता ही है, फिर आप इसको डीम टू अराइज इन इंडिया नहीं बोलोगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के, और सेम बातें मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं, आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ। ओके, एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू एन एसेसी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी इनकम आपको इंडिया के बाहर मिल रही है, बट वो किस तरीके से मिल रही है, कोई इंडिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी, या इंडिया में कोई असेट सिचुएटेड था, या फिर कोई इंडिया का कैपिटल असेट है, अगर आपने ट्रांसफर करा, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इंडियन कंपनीज के शेयर्स बेचे, फॉर एग्जांपल एक बंदा यूएस का है, दूसरा बंदा ऑस्ट्रेलिया का है, और ये लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंडियन कंपनीज के शेयर्स की, तो बिकॉज ये शेयर्स किसको बिलोंग करते हैं, इंडियन कंपनी को, इंडियन असेट्स हैं, तो ये भी इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अगर आपको कोई इनकम मिल रही है ऐसी प्रॉपर्टी की जो इंडिया में सिचुएटेड है, या फिर कोई ऐसा असेट जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो ऐसी इनकम भी डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाती है, करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि कुछ ऐसी इनकम है जो इंडिया में अराइज नहीं मानी जाती, कुछ ऐसी इनकम है जो इंडिया में अराइज नहीं मानी जाती। मुझे एक बात बताइए, और ये बहुत सिंपल है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बहुत लॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एबीसी इनकॉर्पोरेशन,
लेट से ये रजिस्टर्ड है मेनली सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, ये 10% बिजनेस करती है अपना इंडिया में, 50% इसका बिजनेस सिंगापुर में ही है, ठीक है, 40% इसका बिजनेस दुबई में है। तो प्लीज मुझे बताइए आप कितनी इनकम इंडिया में एट्रीब्यूटेबल मानेंगे, ओनली 10% ना। तो अगर कोई भी कंपनी है तो जितना उसका एट्रीब्यूटेबल है, जितना उसका प्रोपोर्शनेट है टुवर्ड्स इंडिया, सिर्फ आप उतना ही डीम टू अराइज इन इंडिया मान सकते हैं। तो सिर्फ इतना पोर्शन डीम टू अराइज इन इंडिया मानिएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि एबीसी सिंगापुर का जो पूरा का पूरा बिजनेस की इनकम आ रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, नो, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया। जो इंडिया में एट्रीब्यूटेबल नहीं है 50% या 40% सिंगापुर या दुबई में, उसको आप प्लीज टैक्सेबल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दी गई है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ बिजनेस वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, कोई उसके ऐसा बिजनेस है जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते, कुछ ऑपरेशंस सिंगापुर में या दुबई में होते हैं, तो उस केस में तो जितना एट्रीब्यूटेबल है टूवर्ड्स टू इंडिया, जितना एट्रीब्यूटेबल है टू इंडिया, हम उसी को मानेंगे कि दैट इनकम इज ओनली टैक्सेबल इन इंडिया। मैं आपको बता दूं, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि हमारे जब हम सीए बनेंगे तो उसके बाद हम अलग अलग फील्ड में जाएंगे, टैक्सेशन में जाएंगे, तो टैक्सेशन में भी अलग अलग फील्ड हैं। कुछ लोग सिर्फ स्पेसिफिकली काम करते हैं एट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूशन में, मतलब वो देखते हैं कि किसी भी बिजनेस का कितना परसेंट इंडिया में फॉल करता है। तो क्योंकि ये निकालना, अभी तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि 10%, 50%, 40%, बट ये निकालना इतना ईजी नहीं है कि कितना परसेंट एट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है, ये भी एक अलग फील्ड है। ओके, कमिंग बैक, ओके, अगर आप इंडिया में, सेकंड बोला कि कौन कौन सी इनकम इंडिया में अराइज नहीं मानी जाएगी, अगर आप सिर्फ इंडिया से परचेज करते हैं, अब देखो मुझे बताओ, अगर आप इंडिया में सिर्फ परचेज कर रहे हैं और वो सारा का सारा जो भी आपने परचेज करते हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या इंडिया में आपकी इनकम हो रही है? आंसर इज नो सर, इंडिया में तो सिर्फ आपके एक्सपेंस हो रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में सिर्फ आपके एक्सपेंस हो रहे हैं तो फिर हम इनकम टैक्स क्यों लगाएंगे? हम इनकम टैक्स तभी लगाएंगे इफ यू आर अर्निंग समथिंग। तो अगर आपका सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ आप इंडिया से परचेज करते हैं और सारी की सारी चीजें जो परचेज करते हैं वो एक्सपोर्ट कर देंगे, देन इट इज नॉट अराइज इन इंडिया, ठीक है, हम इसको इंडिया में नहीं मानेंगे। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल, लेट से कोई न्यूज चैनल है बीबीसी, बीबीसी एक न्यूज चैनल है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये इंडिया में टेलीकास्ट नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी न्यूज, फॉर एग्जाम्पल बीबीसी एक अपनी न्यूज टेलीकास्ट कर रहा है, लेट से यूएस में, वो यूएस में कोई न्यूज दिखा रहा है और वो वहां पर ये न्यूज दिखा रहा है कि इंडिया में फॉर एग्जाम्पल ठंड बहुत ज्यादा हो गई है या इंडिया में ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है, तो वो इंडिया की सिर्फ न्यूज दिखा रहा है, इंडिया की सिर्फ न्यूज या सिर्फ व्यूज कलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में वो पर्टिकुलर प्रोग्राम, वो पर्टिकुलर एपिसोड, वो पर्टिकुलर न्यूज इंडिया में टेलीकास्ट नहीं हो रही है, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया टेलीकास्ट हो रही है, सिर्फ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या वो इनकम इंडिया में हम टैक्सेबल करेंगे? द आंसर इज नो। तो यहां पर क्लियर कर दिया है कि कलेक्शन ऑफ न्यूज और व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, आप इसका ट्रांसमिशन कहां पर कर रहे हो? आउटसाइड इंडिया, इंडिया में ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, जितना फिर आप इंडिया में ट्रांसमिट कर रहे हो, फिर तो इंडिया में भी आपके व्यूज देखे जा रहे हैं, आपकी टीआरपी बढ़ रही है, फिर तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर आप इंडिया में इसको नहीं शो कर रहे हो, ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन इंडिया के बाहर हो रहा है, उस केस में फिर ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी, अगर सिर्फ आप इंडिया की न्यूज दिखा रहे हो। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर है, कोई हॉलीवुड मूवी है, ठीक है, कोई हॉलीवुड मूवी है, उस हॉलीवुड मूवी में कुछ एक दो मिनट के शॉट्स इंडिया के दिखाए गए, ठीक है, लेट्स से इंडिया में चांदनी चौक दिल्ली में है, एक नॉट प्लेस के वो शॉट्स दिखाए गए, ठीक है, वो मूवी हॉलीवुड मूवी थी, तो क्या हम इंडिया में, और वो इंडिया में रिलीज भी नहीं हो रही है, लेट्स से पिक्चर वो इंडिया में रिलीज भी नहीं हो रही है, वो आउटसाइड इंडिया ही रिलीज होगी, तो ऐसी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी अगर हमने सिर्फ इंडिया में आके उसकी शूटिंग की है, तो ठीक है, सिर्फ शूटिंग करी है और इंडिया में वो लॉन्च भी नहीं होगी, रिलीज भी नहीं होगी पिक्चर, राइट, तो उस केस में हम नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पर एक और प्रोविजन बताया गया कि अगर उस मूवी का जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, तो एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल उस मूवी को बना रहा है, तो अगर वो इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, या फिर वो अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, या वो कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, राइट, प्योरली वो इंडिया के बाहर वाला बंदा बना रहा हो। और लास्ट है एक्टिविटीज कन्फाइंड टू, कन्फाइंड मतलब लिमिटेड टू, डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स इन नोटिफाइड जोन्स,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नोटिफाई करती है कि वहां पर कुछ लोग जो डायमंड्स डीलर्स हैं वो सिर्फ वहां पर आके अपनी डायमंड्स को एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिशन लगाते हैं सिर्फ उसकी, ठीक है, वहाँ बेचते वगैरह नहीं है, सिर्फ एग्जिबिशन लगाते हैं। तो फिर वो एग्जिबिशन लगाई, उन्होंने वापस चले गए, कोई इनकम इंडिया से जनरेट नहीं होती है, उस केस में भी वो हम इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं मानेंगे, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स जब इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाती, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली आपको इनकम मिल तो नहीं रही है बट मान लेते हैं कि आपको मिल रही है। तो मेनली इसके लिए हम लोग सैलरी के चैप्टर का सहारा लेते हैं, मेनली सैलरी से रिलेटेड बातें हैं, और आई बिलीव कि आपने सैलरी एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, स्पेशली RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे PF में, क्या वो पैसा अभी हमें मिल गया है या फिर वो हमारे सिर्फ फंड में डिपॉजिट हो रहा है, वो सिर्फ फंड में डिपॉजिट हो रहा है, हम जब वहां से रिटायर होंगे, रिजाइन करेंगे, उसके बाद वो पैसा हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम 10 साल के बाद वहां से रिजाइन करेंगे तो पैसा तो अभी तो नहीं मिला, 10 साल के बाद मिलेगा, बट हम हर साल उसको टैक्सेबल करते हुए चलते हैं। हम लोग जानते हैं RPF के लिए इन एक्सेस ऑफ 12% हम टैक्सेबल करते रहते हैं, तो वो पैसा भी आपको मिला तो नहीं है बट डीम टू रिसीव है, इसीलिए हम उसको टैक्सेबल करते हैं, राइट। या फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अगर वो पेंशन स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, हम लोग को पता है जब हम सैलरी इनकम निकालते हैं तो हम उसको टैक्सेबल करते हैं, बाद में डिडक्शन भी मिल जाती है इसकी ATCCD में, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे डिडक्शन के चैप्टर में, बट यस उसको हम टैक्सेबल करते हैं। बट वो अभी पैसा सिर्फ कहाँ पर जा रहा है, सिर्फ पेंशन स्कीम में जा रहा है, सिर्फ पेंशन स्कीम में जा रहा है, अभी हमने उसको वो पैसा मिला भी नहीं है, बट दैट इज डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, राइट। तीसरा बात, अगर आपका पास URPF में बैलेंस होता है, URPF क्या होता है, अब ये बातें ना थोड़ी सैलरी चैप्टर से रिलेटेड आ रही हैं। URPF होता है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा हमें पता है कि URPF को हम तब तक टैक्सेबल नहीं करते हैं जब तक वो पैसा मिलता नहीं, एक्चुअली रिसीव नहीं हो जाता है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो एम्प्लॉयर है उसने पहले URPF फंड बनाया था बट वो URPF से अब उसको कन्वर्ट कर रहा है RPF में, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो हम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को हर साल टैक्सेबल करते हुए चलते हैं इन एक्सेस ऑफ 12%, राइट। तो अगर आपका URPF का पैसा पहले तो टैक्सेबल नहीं हुआ था बट वो ट्रांसफर हो जाता है RPF में, तब हम इसको टैक्सेबल कर देते हैं, और वो भी हमें पता है इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी ही टैक्सेबल करते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर डीम टू बी रिसीव, एक्चुअली आपको रिसीव नहीं हुए हैं, एक्चुअल रिसीव नहीं हुए हैं बट मान लिया जाता है कि वो रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें कंप्लीट करी हैं इन रिलेशन टू रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आई बिलीव आपको ये चैप्टर का पूरा चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये चीजें आप लोग या तो नोट कर लीजिए या इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये चीजें आपको बता होनी चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। चलिए फिर अब हम अपनी नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में मिलते हैं ऑफ सैलरी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।